हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है टेम्प्रोरी दोस्तों यहां पर आप लोग जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आया है कि हमें बताइए हम कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करें। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको हर एक स्टेप अच्छे से पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली अपडेट आप सबको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को सबसे पहले ओपन करना है, और इंस्टाग्राम को जैसे आप लोग ओपन करेंगे ध्यान से यहीं से आप लोग का दोस्तों क्रिया मतलब जो है यहाँ पर जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यान से यहीं से देखना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मतलब ध्यान नहीं हटाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स मिस हो जाएगा तो आप लोग बाद में कमेंट करके बोलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ध्यान से वीडियो को देखा करिए। यहाँ पर आने के बाद आपको धीरे जो है यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे दोस्तों जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और ऊपर में थ्री लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर दोस्तों जैसे आप लोग क्लिक करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग आते हैं ना, तो सिंपल है, आपको करना क्या है, ऊपर में ही आपको मिलेगा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं। तो अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, आप लोग देख सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप लोग पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, और नीचे आपको मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन। तो आपको दोस्तों नीचे वाले पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, और नीचे आपको मिलेगा मेमोरियलाइजेशन, और एक ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। तो आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको नीचे वाले पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपका कौन सा अकाउंट है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा नीचे वाला है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है डीएक्टिवेट अकाउंट और एक मिलेगा डिलीट अकाउंट का। तो हम दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, डीएक्टिवेट पे क्लिक किए रहेंगे, उसके बाद यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमसे जो है हमारा पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो दोस्तों आप लोग का कन्फर्मेशन पासवर्ड रहेगा वही पासवर्ड आपको दोस्तों देना होगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होता क्या है ना कि मतलब पासवर्ड नहीं पता रहता, बाद में वो कमेंट करके बोलते हैं कि आप गलत बताए हैं, हमारा जो अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है वही पासवर्ड देना है जो आपका पासवर्ड इंस्टाग्राम में पड़ा रहेगा। अगर दोस्तों नहीं है तब यहाँ पर आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है, नीचे वाले पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं रीसेंट टेक्स्ट मैसेज, मतलब यहाँ पर आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी में दोस्तों आप लोग को दिखाया जाएगा कि मतलब आपका जो आप मतलब अपने अकाउंट के जो पासवर्ड होता है वो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम पासवर्ड इस तरीके से आएगा लिंक, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे डिटेल्स दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को वहाँ पर मतलब चेंज करने का रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग कंटिन्यू पर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं फिर आप लोगों को बता। तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आप लोगों को मतलब जो है यहाँ पर मतलब अपना कन्फर्मेशन पासवर्ड डालना ही होगा, तभी दोस्तों आप लोगों का अकाउंट जो है परमानेंटली सॉरी यहाँ पर जो है टेम्पररी जो है डीएक्टिवेट होगा। दोस्तों मेरा जो है अकाउंट पर मतलब जो टेम्पररी डिरेक्ट सॉरी यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट हो गया है। मैंने दोस्तों वीडियो थोड़ा जो है यहाँ पर भूल गया हूँ, बट दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताया है बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल दोस्तों सिंपल है। बस आप लोग जैसे ही अपना जो है यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे ना, ऑटोमेटिक दोस्तों वहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखा देगा टेम्पररी डीएक्टिवेट का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट 100% जो है जो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाना है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मतलब आगे आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग क्या लिखिएगा, बाय।